क्या अगर डीजे नहीं बजे, अगर डीजे नहीं बजे तो क्या हमारे राम भगवान हनुमान जी कभी कहे हैं कि आप डीजे लेके आइए तभी हम खुश रहेंगे, तभी हम नाचेंगे? ये रोजगार की कमी है तो ये 10 साल में ही रोजगार की कमी नहीं हो गई। रोजगार कोई भी गवर्नमेंट आई, इतनी आबादी है 1,42,00,000 45 करोड़ जहाँ की आबादी है तो बेरोजगारी तो रहेगा ही। रामनवमी में कोई भी जो बड़े आदमी हैं उनका लड़का बच्चा गया है झंडा लेकर के कि सब बेचारा गरीब गुरबा। कांग्रेस के जमाने में बेरोजगारी नहीं थी, सिर्फ भाजपा के जमाने में बेरोजगारी है। हंगर इंडेक्स देखिए कितना में हम है, अब देख लीजिए इसको कि नीचे से हम लोग हैं 80 में। आंख में आंख मिला के काम, मैंने किसी से हम आंख नहीं झुकाएंगे, जो हमारे सामने आएगा आंख से आंख मिला के जवाब देंगे। 56 इंच के सीना है। एक EBM और मीडिया निष्पक्ष हो जाए, सारा जितना प्रॉब्लम है आपको हिंदुस्तान में वो सब दूर हो जाए। ईमान अगर बढ़ रहा है तो हम भूखे भी रहेंगे, लेकिन अपना देश के स्वाभिमान के लिए मरने मिटने के लिए लोग तैयार रहते हैं। ये तो काम मोदी जी किए हैं। 90% लोग है जो कहता है कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा। एक BJP की है जो कहते हैं कि नहीं हम EBM से ही चुनाव कराएंगे। इतना नहीं, VVPAT को गिनती करने के लिए बोला तो चुनाव आयोग कहता है कि जे इसका तो गिनती करने में फिर हम चले जाएंगे बैलेट का युग में। तो ये सब तो कोई तर्क है नहीं, तो VVPAT लगाया किस लिए? तो हमको जाने में समय लगता है 10 घंटा, वहाँ हम 4 घंटा मगर पहुँच रहे हैं। ये भी एक पब्लिक के लिए सुविधा है, विकास। जितना बड़ा अमेरिका है वहाँ पे जितना पॉपुलेशन है वो 3 दिन में वहाँ पे चुनाव करा लेता है और हमें इतना टाइम लग जाता है, तो हम 20 गुरु कैसे बने? कार्यक्रम जो पब्लिक के लिए है, पशुपालन के लिए सरकार दे रही है पैसा, बकरी पालन के लिए दे रही है सरकार पैसा, मुर्गी पालन के लिए, सुअर पालन के लिए, इसी को विश्व गुरु कहते कहेगा लोग तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ 370 धारा हटा दे, खुलेआम उसको छूट मिला फोर्स को कि तुमको जो पत्थर मारता है उसको उचित जवाब दो। आतंकवादी आज एकदम कम गया है वहाँ, आतंकवाद के नामो निशान मिट गया है, पत्थर मारना बंद हो गया है। 70 साल में कुछ कांग्रेस नहीं किया तो 70 साल में कुछ कांग्रेस नहीं किया तो एयरपोर्ट, ये आपका बंदरगाह, ये आपका एम्स, भिलाई, कौन बनाया? JNU कौन बनाया? जो बनाया जिसको तो आप बेच रहे हैं। सहिया दीदी है, देखिए लखपति दीदी बनाने के लिए काम सरकारी योजना चला रही है। लोग सिर्फ राम के नाम पे वोट दे देंगे या फिर 370 के नाम पर वोट मिल जाएगा इस टाइम पे BJP को? नहीं, ये तो स्पष्ट है, सरकार की नीति है, खुलेआम है। भाजपा की जब से स्थापना हुई है उसी समय से उसका मुद्दा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, 370 हटाएंगे। 370 हटाया, पहले देखते थे कि जब वहाँ पुलिस जाती थी तो वहाँ के स्थानीय गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से अनुमति लेना पड़ता था वहाँ के मिलिट्री को कि इनकाउंटर करें या नहीं करें। लेकिन ये सरकार जब वहाँ 370 धारा हटा दी, खुलेआम उसको छूट मिला फोर्स को कि तुमको जो पत्थर मारता है उसको उचित जवाब दो। आतंकवादी आज एकदम कम गया है वहाँ, आतंकवाद के नामो निशान मिट गया है, पत्थर मारना बंद हो गया है। ये सरकार की उपलब्धि है, ये मामूली उपलब्धि नहीं है। अपना घोषणा पत्र में खुलेआम भाजपा बोली थी कि हमारी सरकार आएगी तो 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। राम मंदिर बना के दिखा दिया, 370 हटा दिया। उज्ज्वला योजना आज चल रही है, गरीबों के पास सिलेंडर मुफ्त में मिल रहा है। कम धरा नहीं पा रहे हैं उस सिलेंडर पा रहे हैं। नहीं, हमने जो नहीं, अगर हमारा रिपोर्टिंग आप देखिएगा तो विरोधी विरोध करने, विरोधी का काम है विरोध करना। सरकार अगर अच्छे काम कर रही है तभी लोग विरोध करते हैं। सहिया दीदी है, देखिए लखपति दीदी बनाने के लिए काम सरकारी योजना चला रही है। नहीं नहीं, मुद्दा क्या है? नौजवान युवा हैं वो भी कह रहे हैं कि हमारे पास नौकरी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते रहते हैं कि आप पकौड़ा तलिए, ये भी आपका एक रोज़गार है, आप चाय बेचिए, ये भी आपका एक रोज़गार है। तो जो ग्रेजुएट लड़का है, अगर आपने एक ट्रेंड देखा होगा कि ग्रेजुएट चाय वाला, चाय MBA चाय वाला, डिग्री चाय वाला, पकोड़े वाला, तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं देश में, सोशल मीडिया है कि जो अगर आप कोई चीज़ ऐसा करेंगे तो वायरल हो जाता है। तो ये जो लड़के जो पढ़ लिख के जो ऐसा कर रहे हैं तो इस चीज़ को क्या देखेंगे? रोजगार की कमी है देश में या नहीं है? देखिए रोजगार की कमी है तो ये 10 साल में ही रोजगार की कमी नहीं हो गई। रोजगार कोई भी गवर्नमेंट आई, इतनी आबादी है 1,42,00,000 45 करोड़ जहाँ की आबादी है तो बेरोजगारी तो रहेगा ही। कांग्रेस के जमाने में बेरोजगारी नहीं थी,
सिर्फ भाजपा के जमाने में बेरोजगारी है, जनसंख्या बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहेगा ही बेरोजगारी उसमें। हाँ, प्रयास सरकार कर रही है मुद्दा के आधार पर रोजगार देने के लिए। अभी आप आए NTPC ये सब करने के लिए, जो खुला है तो वहाँ भी रोजगार हजारों हजार को मिला, ये उपलब्धि नहीं है। नहीं, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं है स्थानीय, लेकिन थर्ड ग्रेड पे है, थर्ड ग्रेड। हम आपको एक चीज़ आपको मतलब आप हमारी बातों से कितना अगर आप रखते हैं तो दीजिएगा जवाब, नहीं तो नहीं दीजिएगा। हम आपको एक सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। उदाहरण ये है कि 2004 से कंपनी को वो आवंटन होता है, जब सभी कोल ब्लॉक कोल स्कैम में रद्द हो गए थे तो NTPC को वो कोल ब्लॉक छोड़ दिया गया था, क्योंकि वो POC कंपनी थी, केंद्र सरकार की कंपनी थी। 2004 में कंपनी वहाँ पर जाती है, लोगों को बताती है कि हम आपको स्वास्थ्य का लाभ देंगे, पानी का लाभ देंगे, नौकरी देंगे, मुआवजा देंगे। लोगों ने कहा कि हमारी खेती की ज़मीन है, अगर हम बर्बाद हो जाएंगे, अब हमारी खेती की ज़मीन अगर आप ले लीजिएगा। तो 2004 से कंपनी पीछे पड़ी, सबकी सरकारें चेंज होती रहीं, उस समय कांग्रेस की सरकार रही होगी। हम 2004 में हम आपको कलेक्ट हम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। 2009 में जाकर सेंक्शन 9 लगा दिया जाता है, 2009 में सभी रेटों को फ्रीज कर दिया जाता है। इन सेंस की अगर आप 2009 का अगर आप समझते होंगे तो 2009 का सेंक्शन लग जाता है तो आप जो ज़मीन का रेट है वहीं पर स्टॉप हो जाता है, ना वो बढ़ेगा ना घटेगा। तो 2009 में कंपनी को अधिग्रहण कर लेना चाहिए था, लेकिन लोगों के विरोध के कारण 2009 में अधिग्रहण हुआ नहीं। कुछ लोग वहाँ के जो दादा परदादा से अगर आप किसी से बात करेंगे तो वो लोग कहते हैं कि हम कंपनी के पास गए पेपर लेकर, लेकिन कंपनी ने ये कहा कि अभी आपकी ज़मीन की हमें ज़रूरत नहीं है, हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे। कंपनी को ज़रूरत पड़ती है आज 2009 से 2024 में। कितनी पीढ़ी ख़त्म हो गई? 4 पीढ़ियाँ ख़त्म हो गई। उनके दादा मर गए, दादा के पिताजी मर गए, बाप मर गया, अब बेटा बचा है, तो 3 पीढ़ियाँ ख़त्म हो गई। अगर वो 2009 में अगर विस्थापित करता लोगों को तो 3 लोगों को विस्थापित करना पड़ता, लेकिन आज कंपनी को कितना विस्थापित करना पड़ रहा है? 1। 2016 में कट ऑफ डेट रखा है कंपनी ने, उनका कहना है कि 2016 में जिसका अगर कट ऑफ डेट अगर 2016 में 18 साल हुआ है उसी को विस्थापन देंगे, अदरवाइज किसी को नहीं देंगे। एक घर में 4 परिवार है, आपको एक ही का विस्थापन मिलेगा। तो इस चीज़ को आप कैसा देखते हैं, क्योंकि मुआवजा 2009 का लेना है, 100 रुपये आपको जो फिक्स किया गया तो वही किया गया है, 100 रुपये 2024 में भी मिलेगा, ये केंद्र सरकार का है। अभी इसमें तो सुधार होनी चाहिए, अभी समय के अनुसार जब महंगाई बढ़ रही है, जन का ज़मीन का जो है सो कीमत आगे बढ़ रहा है, तो उसके अनुसार तो महंगाई मिलना चाहिए। सरकार इस पर विचार करवे करेगी, नहीं किसे करेगी। लेकिन कहाँ, जयंत सिन्हा 10 साल रहे, लोग उनके पास जाते रहे, लोग उनके पास गिड़गिड़ाते रहे। जयंत सिन्हा का कहना है कि हम अगर जो मुआवजा दे रहे हैं वो वर्ल्ड लेवल है, भारत देश का नहीं। जयंत सिन्हा का बयान है हमारे साथ, उनका को वर्ल्ड लेवल में हम दे रहे हैं, ऐसा कहीं पे नहीं है। कॉलोनी में जाएंगे तो चारों तरफ से दीवारें टूटी पड़ी हैं, जो लोग विस्थापित होकर रहने आएंगे चारों तरफ से, आप इसी चैनल पे देखिएगा, चारों तरफ से दीवारें टूटी हैं, गजड़ियों का अड्डा बना हुआ है, ड्रग्स का वहाँ पे अड्डा बना हुआ है, तो ये कैसा विकास? ये तो स्थानीय लोग आंदोलन करते हैं तो अपना स्वार्थ भी रहता है, जनरल स्वार्थ नहीं देखते हैं। जिस समय यहाँ कंपनी के उद्घाटन के लिए वाजपेयी जी आए थे, कितना उत्साहित थे लोग कि हमारे एरिया में इतनी बड़ी फैक्ट्री बन रही है, इतनी बड़ी खदान खुलेगा, ये होगा, रोज़गार मिलेगा। तो जहाँ तक है पूरा सरकार करिए रही है। आप गए हैं कभी देखने के लिए? हम तो नहीं गए हैं, जो सुन रहे हैं वो बोल रहे हैं, हम नहीं गए हैं। कहाँ पे सुना आपने, कहाँ पे? यहाँ जैसे आपस में चर्चा चलती है तभी सुनते हैं, या पेपर के माध्यम से कुछ सुने। लेकिन जहाँ तक मोदी जी सरकार की बात है तो यह भी आपको मालूम होगा कि डोकलाम में 72 दिन तक हमारी सेना जो है आमने सामने एकदम आंख मिला करके रहा। किसकी देन है? मोदी जी की देन है। मोदी जी ये गर्व से कहते हैं कि आंख में आंख मिला के काम, मैंने किसी से हम आँख नहीं झुकाएंगे, जो हमारे सामने आएगा आंख से आंख मिला के जवाब देंगे। 56 इंच के सेना है। तो हिंदुस्तान की जनता क्या चाहती है? चाहती है अपना देश के स्वाभिमान, अगर हमारे देश के स्वाभिमान अगर बढ़ रहा है तो हम भूखे भी रहेंगे, लेकिन अपना देश के स्वाभिमान के लिए मरने मिटने के लिए लोग तैयार रहते हैं। तो ये तो काम मोदी जी किए हैं, कोई आंख उठा के देख नहीं सकता है, जवाब मिल सकता है। लेकिन उस आंख को चाइना को लड़ने के लिए तो हमारे जवान हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस चीज़ को लोग सराखों पर रखें, रखते भी अपने देश के लिए जान निछावर कर ही देते हैं, लेकिन एक साथ 50,000 लोगों को विस्थापित कर देना, क्या वो देश के नागरिक नहीं है? ना, विस्थापित हो रहा है वो तो
उसमें तो सुधार संशोधन होना चाहिए। विचार सरकार विचारनीय विषय है, इस पर सरकार विचार करेगी ही। आ यहाँ के जनप्रतिनिधि जो जाएंगे वो बात रखेंगे संसद में, इस पर ही होगा। लेकिन 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा जयंत सिन्हा? जयंत सिन्हा के कार्यकाल मैंने समझिए कि अकेले तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसे कार्यकाल भी इनका ठीक ही रहा है। भाजपा सरकार के जहाँ भी कार्यकाल है, आज देखिए कि रोड यहाँ से पटना जाने में लगता था 8 घंटा 10 घंटा, गड्ढा में जाते थे, अब 3 घंटा 4 घंटा में पहुँच जाते हैं। उपलब्ध तो सुविधा है, विकास नहीं हुआ ना। विकास में फैक्ट्रियाँ कहाँ लगी? विकास ही है ना। विकास अगर रोड नहीं बनती तो हमको जाने में समय लगता है 10 घंटा, वहाँ हम 4 घंटा में अगर पहुँच रहे हैं तो भी एक पब्लिक के लिए सुविधा है, विकास भी है। 10 सालों में कितनी फैक्ट्रियाँ लगी हजारीबाग जिले में जहाँ पे लोगों को रोजगार मिला? हजारीबाग में फैक्ट्रियाँ तो नहीं लगी, कौन गवर्नमेंट लगा दी यहाँ फैक्ट्रियाँ? हम दस साल की बात कर रहे हैं। आप अगर पीछे से कर जाएंगे तो इस 10 सालों में दायित्व बनता है कि नहीं बनता? 10 साल में फैक्ट्रियां नहीं लगी, लेकिन सरकार के कार्यक्रम जो पब्लिक के लिए है, पशुपालन के लिए सरकार दे रही है पैसा, बकरी पालन के लिए दे रही है सरकार पैसा, मुर्गी पालन के लिए, सुअर पालन के लिए, वही रोजगार है। रोजगार स्वावलंबी बनना एक रोजगार है। अब सब सोचेगा कि हमको नौकरी ही सरकारी मिल जाए, ये असंभव है। सरकार इसीलिए मदद करती है कि अपना स्वावलंबी बने, अपने आप स्वावलंबी बनिए और दूसरे को भी रोजगार दीजिए, तो भाजपा सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नाम से मुद्रा लोन आया था, मुद्रा लोन के अब जटिल प्रक्रिया आसान है, लेकिन उसमें जो चार्जेस हैं उस चार्जेस को अगर आप देखेंगे तो एक पर्सनल लोन से भी ज़्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी ने धिनोरा पीट कर कहा था कि मुद्रा लोन सक्सेस होगा, छोटे दुकानदारों को लाभ होगा, लेकिन उसमें जो चार्जेस अगर लग रहे हैं वो चार्जेस को अगर मिलाकर जोड़ दिया जाए तो पर्सनल लोन से भी ज़्यादा चले जाते हैं इंटरेस्ट रेट। नहीं, तभी जिसे विश्वकर्मा योजना चलाए केंद्र सरकार कि देंगे आगे, तो पहले योजना को सक्सेसफुल रन नहीं करना, फिर से दूसरी योजना को ला देना, योजना पे योजना वो कहाँ तक चलाए? महिला आपने पहले मुद्रा लोन लाया, उसको आपने सफल नहीं बनाया, उसके बाद आपने दूसरा योजना लेकर आ गया, उस योजना 6 महीना साल भर नहीं चली, फिर से आपने तीसरा योजना लेकर आ गया, तो योजना पे योजना कहाँ पे सक्सेस हो रहा है? अब जो महिला के पास पूंजी नहीं थी, देखिए महिला सम्मान निधि चला कि 2 लाख तक बैंक में जमा कीजिए और आपको जो है 7.5% इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो एगो सुविधा हुआ कि कुछ पूंजी महिलाओं के लिए हो गई। गैस में सुविधा सिलेंडर मिलिए रहा है उज्ज्वला योजना में, ये सब सुविधा तो सरकार कौन गवर्नमेंट दी थी 6,000 दिया था, कोई कह रहे थे कि 6,000 में क्या आता सरसों का तेल लीजिए, जहाँ 1 पैसा नहीं मिल रहा था वहाँ 6,000 अगर किसान को मिल रहा है, यहाँ ने हम लोग सोच रहे हैं। लेकिन जो गरीब किसान है, गांव जाइए, साधारण किसान है, 1 एकड़ 10 कट्ठा जोतने वाला, उसको भी अगर 6,000 मिल रहा तो कितना खुशी की बात है कि उससे वो बीज लेगा, खाद लेगा, उत्पादन बढ़ाएगा, अपना स्वावलंबी बनेगा, ये तो सुविधा सरकार दे रही है। हमारा ही रिपोर्ट है, अगर आप चैनल में देखिएगा, वहाँ के बड़का गांव के किसानों से जब बात किया गया कि आपको 2,000 मोदी सरकार दे रही है, तो उनका कहना था कि 2,000 तो दे रही है लेकिन उससे ज़्यादा ले रही है। ले कैसे ले रही है? फसलें बेमौसम बरसात हो जा रही है, खराब हो जा रहे हैं फसल जब अगर वो पैदावार करते हैं, बाज़ार में आते हैं, तो वैसे कोई मंडी नहीं है जहाँ पर हम जाके बेच सके, हमारा सही दाम मिल सके। बड़का गाँव में हालत जाइएगा, लोग 2 रुपये 3 रुपये भिंडी बेच रहे थे कुछ दिन पहले, पत्ता गोभी बेच रहे थे, आज भी खीरे वही रेट बेच रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि हमको रेट ही नहीं मिल रहा, तो वो 2,000 का क्या फ़ायदा? ये तो स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था है। आज हम लोग यहाँ खरीदने जाते हैं तो वही भिंडी 50 रुपये मिल रहा है, 60 रुपये मिल रहा है, सुविधा नहीं है उनको आने के लिए यहाँ। नहीं, सुविधा तो है, लेकिन स्थानीय जो है वहाँ इस तरह से व्यवस्था सरकार के प्रशासन को नहीं चाहिए व्यवस्था करना। ये तो जो है सो कि जो कुछ लोग हैं जो किसान से कम पैसा में खरीद लेते हैं। जयंत सिन्हा को कितनी बार कहा गया कि आप कोल्ड स्टोरेज बना दीजिए, अगर कोई चीज़ अगर सस्ता हो जाएगा तो उसको हम लोग कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे, लेकिन जयंत सिन्हा जी ने सुना ही। तो जयंत सिन्हा तो अब मैंने समझिए रिटायर कर गए, अब जो आ रहे हैं क्या नाम है आने वाले हैं भविष्य में मनीष जायसवाल जी, अगर संभवतः ये आ गए संसद में जीत करके तो इनके नज़दीक के प्रस्ताव जाएगा, ये अपना विचार करेंगे संसद में रखेंगे जरूर। मने स्थानीय हैं, यहाँ के काम करने वाले हैं, स्थानीय मुद्दा लेके ये मौजूदा जो सांसद के लिए खड़ा हुए हैं, भगवान करे वो जीत जाएं, तो उम्मीद है कि इस मुद्दा को लेकर को संसद में भी इस पर बहस करेंगे, लोगों को
माननीय लोगों को इस पर आकृष्ट करेंगे ताकि स्थानीय जो है हजारीबाग के किसान लोग का विशेष फायदा हो सके। केवल दो चीज, एक ईवीएम और मीडिया निष्पक्ष हो जाए, सारा जितना प्रॉब्लम है आपको हिंदुस्तान में वो सब दूर हो जाएगा। बस ओके, मीडिया स्वतंत्र होना चाहिए। हाँ, और एक बात क्या बोले अभी, मीडिया स्वतंत्र होना चाहिए और ईवीएम को तो हटा ही देना चाहिए इमीडिएट। तो लेकिन वही बीजेपी कहती है कि जब कांग्रेस जीत जाती है तो ईवीएम सही है। जब ये कह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के लोग, जिसमें 90% लोग है, सो कहता है कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा, एक बीजेपी की है जो कहते हैं कि नहीं हम ईवीएम से ही चुनाव कराएंगे। इतना नहीं, वीवीपैट को गिनती करने के लिए बोला तो चुनाव आयोग कहता है कि जे इसका तो गिनती करने में फिर हम चले जाएंगे बैलेट का युग में, तो ये सब तो कोई तर्क है नहीं, तो वीवीपैट लगाया किस लिए। अच्छा एक चीज़, ठीक है आपने मुद्दा सही पकड़ा है कि एक तरफ हम विश्व गुरु की बात करते हैं, हम अपनी जो बराबरी है वो अमेरिका से करते हैं, अमेरिका 3 दिन में चुनाव करा लेता है, जितना बड़ा अमेरिका है वहाँ पे जितना पॉपुलेशन है वो 3 दिन में वहाँ पे चुनाव करा लेता है, और हमें इतना टाइम लग जाता है, तो हम विश्वगुरु कैसे बनेंगे। विश्वगुरु क्या बनेंगे हम लोग, आप हंगर इंडेक्स देखिए कितना में हम हैं, आप देख लीजिए इसको कि नीचे से हम लोग हैं 80 में। वो बोलते हैं सब ये सब झूठ। अब ये अब इसी को विश्वगुरु कहते कहेगा लोग तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीजेपी कहती है कि ये सब झूठ है, ये सब प्रोपेगेंडा चलाने का तरीका। झूठ तो जैसे बीजेपी पार्टी जो है ना, वो तो आधा झूठ अपने ही बोलती है, तो दूसरा के कौन चीज कहेगा। प्रधानमंत्री के कब सुने हैं आप कि सच्चा बोले हैं, सो वो तो ऑलवेज झूठ बोलते हैं। 70 साल में कुछ कांग्रेस नहीं किया, तो 70 साल में कुछ कांग्रेस नहीं किया तो एयरपोर्ट, ये आपका बंदरगाह, ये आपका एम्स, भिलाई, एचईसी कौन बनाया, जेएनयू कौन बनाया, जो बनाया जिसको तो आप बेच रहे हैं, जो आप बेचते क्या। अगर कुछ ही सब न रहता तो अडानी को क्या कौन एयरपोर्ट मिलता, और जितना एयरपोर्ट चल रहा है आपका ये में मुनाफा में, वही एयरपोर्ट अडानी जी लेते हैं, जो घाटे में चलती है वो नहीं लेते, वो काय को लेंगे। तो इसलिए जड़ बस एक ही है, ईवीएम हटा दिया जाए और ये जो मीडिया है वो निष्पक्ष हो जाए। चलिए एक चीज और बात है, ये साउंड जो बज रहा है उसी साउंड को लेकर हम आपसे सवाल करते, क्या अगर डीजे नहीं बजे, तो क्या हमारे राम भगवान, हनुमान जी कभी कहे हैं कि आप डीजे लेके आइए तभी हम खुश रहेंगे, तभी हम नाचेंगे। तो ये आप ही देख लीजिए, रामनवमी तो 3-4 दिन पहले बीता है। रामनवमी में कोई भी जो बड़े आदमी हैं उनका लड़का बच्चा गया है झंडा लेकर के, कि सब बेचारा गरीब गुरबा और 46 कै गो घायल हुआ, वो कौन हुआ घायल। तो ये सब तो कोई सब तो समझे ढोंग है एक तरह का। डीजे बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए, डीजे बजना चाहिए तो उसका भी तो साउंड लिमिट किया है ना कि कितना ये पर बजेगा वो, लेकिन उसको मान रहा है कौन। चलिए इसी टॉपिक के साथ आपको छोड़े जाते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें, अगर आप इस वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़ जोहार।